आज का व्लॉग मैंने शाम में स्टार्ट किया है, कुछ 6-7-8 बजने वाले हैं। मैं जिम के लिए रेडी वेडी हुआ था और अभी सबसे पहले मुझे जो करना है, मेरे मोबाइल के बैक कैमरे का लेंस का ऊपर मैंने कवर लगवाया हुआ था तो वो थोड़ा सा क्रैक हुआ है, जिस वजह से थोड़ी सी वीडियो ब्लर आ रही है हल्की फुल्की। तो सबसे पहले मुझे वो चेंज करानी है और उसके बाद में जिम जाना है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। A few moments later. तो फाइनली यहाँ पे भी धुंध पड़ गई है, मतलब सर्दी अब थोड़ी सी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो आने वाले दिन काफ़ी मज़े के होने वाले हैं। सुबह भी सुना है काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, मैं सोया हुआ था, अगर उठा होता तो शायद मैं ब्लॉग भी बनाती। तो खैर आगे आपको दिखाऊंगा। सो अभी जो है हम क्लास चेंज करवाने जा रहे हैं। 5 minutes later. सो ये शॉप है जहाँ से मैंने मोबाइल का ये चेंज करवाना है। मैं पहुँच गया हूँ, बस ये 5 मिनट का उम्मीद है कि काम होगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा ये काम से। A few moments later. मैं कैमरे का लेंस चेंज करवाने के लिए आया होता है, मेन प्रोटेक्ट है, तो इनके पास अभी अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन तक आ जाएगा, लेकिन मेरा जो क्रैक हुआ हुआ था वो मैंने उतरवा दिया है, तो अब मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो 2-3 दिन बाद मैं लगवा लूँगा। सो अभी मैं खैर जिम जा रहा हूँ। 5 minutes later. सो जिम में मैं आ गया, अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। यूजली मैं यहाँ पे 5 से 7 मिनट साइकिलिंग करता हूँ बॉडी को वार्म अप करने के लिए, और उसके बाद में जो भी प्रॉपर गेम लगानी होती है वो लगाता हूँ। और आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेग की गेम लगाऊँ, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट की है मैंने अभी तक लेग की कोई गेम नहीं लगाई, तो आज वो करता हूँ एंड होपफुली कि ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा। तो क्योंकि उसके बाद में काफ़ी अरसे बाद अगर आप कर रहे हो तो आपके मसल्स काफ़ी होते हैं, मतलब वो चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक सो इतना ज़्यादा ना ही इशू होगा। आई थिंक कर लिए, अब मैं दूसरे फ्लोर पर जाऊँगा, आप सारे ट्रेडमिल्स ही पर हैं। सो अभी ऊपर चलता हूँ। की मैंने गेम कर ली है और अभी जो है मैंने चेस्ट की भी कर ली और लेग चेस्ट और बैक की किया। अभी मेरा शोल्डर और चेस्ट फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, कुछ भी हो ये मैं ऐड कर ही लेता हूँ लेग की। और अभी मेरी जो है काफ़ी बस हो चुकी है, तो अभी खैर वापस चलते हैं। A few moments later. तो यहाँ पे धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ गई है, मैंने जिम वगैरह कर ली है, तो अब जिम के बाद मेरा प्लान बन रहा है कि आइसक्रीम खाने का, क्योंकि इस मौसम में ज़रा काफ़ी अच्छा फील होता है। एंड काफ़ी वेट किया है इस धुंध का, तो सुबह से आज सुबह भी सुना है काफ़ी ज़्यादा हुई थी और अभी तो बहुत ज़्यादा है। As you can see this. अभी भी खैर आइंदा दिनों में उम्मीद है इससे भी ज़्यादा चांसेस हैं कि पड़ेगी, तो वो भी मैं दिखाऊँगा। तो अभी चलते हैं आइसक्रीम के लिए। एंड मुझे थोड़ी सी सर्दी फील हो रही है, जिनके बाद मैंने थोड़ा सा मुझे सर्दी फील हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की फुल्की हो रही है। तो अभी खैर मैं आइसक्रीम के लिए जा रही है। तो मैं घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मतलब बंदा चाह भी रहा हो, बंदा थका भी हो, अभी मैंने जिम किया, मैं थोड़ा सा थक गया, लेकिन स्टिल मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं, मतलब सोचने में भी अजीब लग रहा है कि अभी मुझे घर जाना है। इतना मज़े का मौसम हुआ हुआ है कि देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। A few moments later. मैं इधर आया था लेकिन इन्होंने डाइनिंग बंद किया होगा, 10 बजे के बाद उन्होंने बोला है कि हम नहीं अलाउ कर सकते। सो दैट्स राइट, सो अभी मुझे इधर ही गाड़ी में खानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हो गई है, अचानक से हुई है, परसों तक ऐसा कुछ नहीं था, कल थोड़ी सी धुंध पड़ी थी लेकिन आज जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ गई है। तो अब से इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। एंड जो सर्दी काफ़ी लग भी रही है, लेकिन मैं वीडियो के लिए ऊपर आया हूँ। तो ये था आज के व्लॉग में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।